ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/64 गुरुवार चौथा पेज। बात चल रही थी जरूर कोई ने सतयुग के कृष्ण की प्रारब्ध बनाई है, क्योंकि सारे विश्व का जो पहला प्रिंस है जरूर उनके पीछे प्रिंस भी तो और बनेंगे ना। सारे विश्व का पहला प्रिंस कौन है? संगमयुगी कृष्ण। और उसके पीछे पीछे कितने प्रिंस बनते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी? आठ प्रिंस बनते हैं जिनको बड़े होने पर लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिल जाता है। वो कहा जाता है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उस राजाई के प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी राजाई चलना है तो जरूर इनकी जो प्रारब्ध है वो सूर्यवंशियों की प्रारब्ध कलयुग में बिल्कुल नहीं थी। सतयुग में सूर्यवंशियों की प्रारब्ध थी और कलयुग में किसकी प्रारब्ध होती है? वंशियों की बात हो रही है ना। शूद्र वंशियों की प्रारब्ध होती है। अब इन सूर्यवंशियों की प्रारब्ध कौन बनाएगा? चंद्रवंशियों की प्रारब्ध चंद्रमा बनाएगा। विशेष वंशियों की प्रारब्ध कोई वैश्या ही बनाएगी। कहते हैं इस्लाम वंशी उनकी प्रारब्ध इस्लाम वंशी का मुखिया होगा वो ही बनाएगा। ऐसे ही अब इन सूर्यवंशियों की प्रारब्ध कौन बनाएगा? सूर्य ही बनाएगा। चंद्रवंशियों की प्रारब्ध चंद्रमा बनाता है तो सूर्यवंशियों की प्रारब्ध सूर्य ही बनाएगा। अब सूर्य में और चंद्रमा में क्या फर्क है? अथवा सूर्य में और सूर्य के साथ जो भी ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं उनमें क्या फर्क है? जैसे शुक्र तारा है बृहस्पति है चंद्रमा है मंगल है बुध है तो सूर्य में और इन ग्रहों में क्या अंतर है? चंद्रमा तो उपग्रह है पृथ्वी का। सूर्य में ग्रह रोशनी सदा रहती है ना बाबा? सूर्य में स्वतः ही की रोशनी है अर्थात उसको रोशनी देने वाला कोई नहीं कोई भी नहीं है।
कौन सी रोशनी की बात है? स्थूल रोशनी की तो बात नहीं है, ज्ञान की रोशनी की बात है। तो यहाँ जो चैतन्य साकार सूर्य होगा उसको ज्ञान की रोशनी कौन देता है? कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। क्या ज्ञान सूर्य क्या हुआ? प्रगटा माने पहले गुप्त था क्या? है गुप्त था तो कब से गुप्त था? अरे सन 36 से ही गुप्त था। कहते हैं बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 से मनाया गया, तो क्या प्रत्यक्ष नहीं हुआ था 76 में? है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक के लिए हुआ ना, है एक के लिए हुआ ना, एक के लिए हुआ। माना दो सूर्य होते हैं क्या? नहीं, सूर्य का अच्छा 76 में कौन प्रकट हुआ? जी बाप का पास है। बाप बात सूर्य की हो रही थी, सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? अभी तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अभी तो प्रत्यक्ष। फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? हैं? अरे 76 में जो छी तर क्या हैं? जितने भी धर्म पिताए हैं जब तमो प्रधान बनते हैं तो छी हो जाते हैं कि नहीं? हैं? अच्छे होते हैं कि छी हो जाते हैं? छी। उनमें भी तर माना धर्म पिताओं से भी तर कौन बनता है? छी। अरे राम वाली आत्मा सबसे ज्यादा पति तो बनती है ना, तो कौन प्रत्यक्ष हुआ? ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या ज्ञान सूर्य जिस पतित से पतित तन में आता है वो प्रत्यक्ष हुआ? है जिस पतित से पतित तन में आता है वो प्रत्यक्ष हुआ, सूर्य तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जो कहे अज्ञान अंधेर विनाश, अच्छा नहीं प्रत्यक्ष हुआ, मान लिया नहीं प्रत्यक्ष हुआ, तो सन 76 में जो पहचाना विदेशियों ने 76 रात्रि के 12 बजे को कहा जाता है ना, तो रात्रि के 12 बजे में किसने पहचाना? विदेशियों ने पहचाना। जिन विदेशियों ने पहचाना उन्होंने किसको पहचाना? है ज्ञान सूर्य को पहचाना या ज्ञान सूर्य जिसमें प्रवेश करता है उसको पहचाना? हाँ, मनुष्य सृष्टि के पिता को पहचाना, क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हैं वो देवताएं हैं या मनुष्य हैं? हैं? मनुष्य हैं? तो मनुष्य किसको पहचानेगा? मनुष्य मनुष्य को पहचानेगा। मनुष्यों ने उन विदेशियों ने
जो मनुष्यों का बाप है, बीज है, उसको पहचाना। इसलिए मनाया गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या मनुष्यों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्यों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। अभी देखो ज्ञान सागर कहेंगे ना, फिर भी क्यों लगा दिया है? फिर माने क्या होता है, है? मनुष्य ही बाप है, फिर भी वो ज्ञान सागर है। फिर किसे कहते हैं? फिर का मतलब क्या है? है? जुड़े हुए। फिर माने दोबारा है? हाँ, माना ज्ञान सूरी तो शिव है, लेकिन फिर भी ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में वो सूर्य तो साकार में है, जो आसमान में दिखाई देता है, कि निराकार है? साकार है। तो और शिव भी निराकार, शिव भी वास्तव में तो निराकार है। कहते हैं मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, तो ये फिर भी किसके लिए लगाया? साकार के लिए कहेंगे। और साकार के साथ ज्ञान सागर शब्द भी लगा दिया, ज्ञान सूर्य नहीं लगाया, क्या कहा? ज्ञान सागर। ज्ञान सागर फिर भी प्रत्यक्ष हुआ ना, ऐसे ही कहेंगे तो सागर क्यों कह दिया? सागर तो लिमिटेड होता है। सागर पृथ्वी से चिपक के रहता है, सागर की प्रवृत्ति पृथ्वी के साथ है, सागर की प्रवृत्ति धरणी के साथ है, और सूर्य की प्रवृत्ति तो किसी के साथ है ही नहीं। शिव की प्रवृत्ति किसी के साथ है? है नहीं है? अच्छा, फिर गीता में क्यों कहा गया मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यम? है, मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है। ब्रह्मा तो बहुत ही हैं, लेकिन उनमें जो परम ब्रह्म है वो मेरी माता स्वरूप है। मैं ज्ञान का बीज हूं, ये क्यों कहा गया? उसमें सब कुछ है। है? वो किसी में नहीं है। हाँ, ना अहम तेषु ते मैं, मैं सब में हूं, लेकिन वो मेरे में नहीं। जैसे बीज है, बीज पत्तों में भी है, बीज कड़वा होगा तो पत्ते भी कड़वे होंगे, बीज कड़वा होगा तो टहनियां भी कड़वी होंगी, बीज कड़वा होगा तो जड़ें भी कड़वी होंगी। तो मैं उन सब में हूं, वृक्ष के पत्ते पत्ते में हूं, लेकिन वो मेरे में नहीं है। तो वो है ज्ञान सूर्य वास्तव में, परंतु वो जब आते हैं तो कहते हैं कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? आप समान बनाता हूँ। आप समान बनाता हूँ माने जैसे मैं निर्विकारी हूँ, निराकारी हूँ, निरहंकारी हूँ, वैसे तुम बच्चे भी नंबर वार जैसा जिसने पुरुषार्थ किया वैसे वैसे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनते हो। ये जरूर मानेंगे कि ऐसे कहते हैं कि असुर थे, है? शास्त्रों में कहते हैं ना, सत्युग में कौन थे, त्रेता में कौन थे, अरे हिरण्यकश्यप रावण आदि कहाँ बताते हैं? सत्युग त्रेता थे।
परंतु वहाँ असर तो नहीं हो सकते है ना। कहाँ? जो नई सृष्टि है उस नई सतो प्रधान सृष्टि में असुर तो नहीं हो सकते हैं। असुर माने जिसका सुर मिलता नहीं, जिनका सुर से सुर न मिलता हो। आज का संसार है, इसमें ढेर के ढेर देश हैं। उन देशों में राज्य हैं, राजाइयां हैं, स्टेट्स हैं, जनपद हैं, गांव हैं, गांव में परिवार हैं, परिवारों में ढेर के ढेर सदस्य हैं। क्या किसी के सुर में सुर मिलते हैं? दुनिया में कोई ऐसा परिवार देखने में आता है कि परिवार के मुखिया के साथ सबके सुर मिलते हों, एक सुर हों? नहीं है। और सतयुग त्रेता में क्या था? एक सुर थे, वहां असुर कोई था ही नहीं। जिनका आपस में सुर न मिले ऐसे असुर वहां कोई थे ही नहीं। माने वाचा से क्रॉस करने वाले, संकल्पों में क्रॉस करने वाले एक दूसरे को, और कर्मणा से एक दूसरे को क्रॉस करने वाले वहां कोई थे ही नहीं। तो ये जरूर मानेंगे कि भगवान की जो सृष्टि है उसमें कोई असुर नहीं होते, और बाकी जो भी सृष्टियां हैं, बाकी दुनिया के जो भी संगठन हैं, वहां क्या होता है? कोई के आपस में संस्कार नहीं मिलते। सतयुग में असुर तो हो नहीं सकते ना। नाम क्या है उसका युग का? सत्य। तो जहां सच्चाई है, सत्य है, वहां तो असुर हो ही नहीं सकते। असुर कहां होंगे? हैं? असुर वहीं होंगे जहां झूठ की दुनिया होगी। झूठ खंड में ही असुर होते हैं। तो असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखलाते हैं शास्त्रों में, नहीं दिखलाते? दिखलाते तो झूठ दिखलाते हैं कि सही? कैसे? अरे वहां तो असुर होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में, त्रेता में कहां रावण था? राम राज्य का तो कितना गायन है। हाँ, जो भी गायन है शास्त्रों में, जो भी यादगार हैं, कहां की हैं? उस संगम युग की हैं, उस शूटिंग पीरियड की है, रिहर्सल जब हुई थी सारी दुनिया के एक्टर्स की, उस समय की ये सारी यादगारें शास्त्रों में हैं। उस समय शास्त्रों में जो बताई हुई बातें हैं उन सब की रिकॉर्डिंग हुई थी। वो रिकॉर्डिंग का टाइम है, शूटिंग का टाइम है, रिहर्सल का टाइम है, जिस टाइम में हर आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के संस्कार भरे जाते हैं। रिकॉर्डिंग होती है तो भरा जाता है ना, है? तो इस संगम युग में हर आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के क्या रिकॉर्ड भरे जाते हैं। तो रिकॉर्ड भरते समय कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई अपनी मनमत पर चल पड़ते हैं, कोई मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। तो जो श्रीमत पर चले उनकी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई, और जो मनमत और मनुष्य मत पर चल पड़े
उनकी रिकॉर्डिंग खराब हो गई, वो असुर बन गए। ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि असुर भी थे और देवताएं भी थी, तो जरूर देवताओं ने जीत पहनी। क्या रिकॉर्डिंग के टाइम पर जीत किसने पहनी? दिव्य आत्माओं ने। दिव्य माने दिव्य, दिव्य माने क्या? दिव्य कहते हैं आकाश को, माने जो ऊंची स्टेज वाली आत्माएं थी जिन्होंने भगवान को पहचाना था, भगवान को पहचानने वाली उन आत्माओं ने अपनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली। तो उन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया, वो विश्व के मालिक बन गए हैं। और जिन्होंने नहीं पहचाना, जिसे गॉड इज द ट्रूथ कहा जाता है, सच्चा बादशाह, उस सत्य बाप को नहीं पहचाना, वो क्या बन गए? असुर बन गए। उन्होंने हार खाई तो जरूर असुर पिछाड़ी में होंगे ना, हैं? जीत पाने वाले सत्ययुग में होने चाहिए या हार खाने वाले सत्ययुग में होना चाहिए? सच्चखंड में कौन होना चाहिए? जीत पाने वाले सच्चखंड में गए और झूठ खंड में जाने वाले हैं, झूठे थे। हाँ वो आए, कलयुग के अंत में जरूर होंगे ना, पिछाड़ी में। तो सत्ययुग के आदि में है देवता, क्या देवता आदि में क्यों है? आदि देव के बच्चे देवता, तो कहाँ होंगे? सत्ययुग के आदि में, क्योंकि गया भी जाता है असुरों और देवताओं की लड़ाई, ये तो बच्चों को समझाया गया है कि लड़ाई तो कोई लगी ही नहीं है। किसकी? किसकी? असुरों और देवताओं की लड़ाई तो कोई, या पांडवों की या कौरवों की लड़ाई तो कोई लगी ही नहीं है। महाभारत की लड़ाई लगी है जरूर। क्या? महाभारत की लड़ाई लगी है जरूर, परंतु कोई भी असुर देवताओं की नहीं लगी। ये क्या बात हुई है? महाभारत क्यों कहा? अरे छोटा मोटा भारत कह देते, महाभारत क्यों कहा है? क्योंकि वो सब भारतवासी ही थे, जो बाद में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले कहां के वासी थे? भारतवासी ही तो थे। तो महाभारत की लड़ाई तो जरूर लगी है, परंतु उनमें कोई असुर नहीं थे न कोई देवताएं थे। देवताएं भविष्य में बनते हैं जीत पाने के बाद। क्या देवताएं थे पहले से? हैं? भगवान आया तो भगवान ने मनुष्य को देवता बनाया, तो बाद में बनेंगे या पहले ही थे? न तो देवताएं थे न असुर थे। और देवताएं तो यहाँ हो भी नहीं सकते हैं, कहाँ? नहीं, देवताएं तो यहाँ संगम युग में हो भी नहीं सकते हैं। क्यों? अरे भगवान आया हुआ है तो भगवान मनुष्य को देवता नहीं बनाता है? बनाता है, तो यहाँ संगम युग में देवताएं क्यों नहीं हो सकते है? मना अंत तक पढ़ाई पढ़ते रहेंगे जब तक संगम युग रहेगा,
है? पहले ब्राह्मण बने। अच्छा, अंत तक ब्राह्मण ही बने रहेंगे? नहीं, अरे सीधी सी बात है, सांप का बच्चा सांप ही होगा, लंबा लंबा होगा कि नहीं? हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। चींटी का बच्चा चींटी होगा कि चींटी से हाथी पैदा हो जाएगा? नहीं होगा ना, है? वकील से वकील ही बनेंगे? नहीं बनेंगे। बनेंगे इंजीनियर से इंजीनियर ही बनेंगे। तो यहाँ संगम युग में देवताएं नहीं हो सकते, बनाने वाला कौन है? हैं? अरे बनाने वाला भगवान है, तो भगवान के बच्चे भी क्या होंगे? भगवान भगवती जैसे संस्कार वाले होंगे। क्या भगवान आता है तो आप समान बनाता है ना? भगवान आता है तो क्या बनाता है? यथा राजा तथा प्रजा बनाता है ना? आज की दुनिया में कहेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा है, है? कहेंगे? प्रजा माने बच्चे। जो आज राजाएं गद्दी पे बैठे हैं वो प्रजा को अपने बच्चों की भांति पालना करते हैं? करते हैं? नहीं करते। लेकिन ये पहले युग का गायन है संगम का। क्या? यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग में भी ये नहीं कहेंगे। क्या? यथा राजा तथा प्रजा कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? अरे कृष्ण सूर्यवंशी होगा तो कृष्ण की पीढ़ियों में जो 7 पीढ़ियां चलेंगी वो यथा राजा तथा प्रजा सूर्यवंशी नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कहाँ होंगे? फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण, सतयुग का महाराजा। उसके जो बच्चे बनेंगे या उसकी पीढ़ियों में जो भी बच्चे होंगे वो 16 कला संपूर्ण होंगे कि 15 कला संपूर्ण होंगे? तो कहाँ होंगे यथा राजा तथा प्रजा? और यहाँ यहाँ कलातीत भगवान कहा जाता है। भगवान कलाओं में बांधा जाता है या कलातीत होता है? कलाओं से परे है। तो भगवान के बच्चे भी कैसे होंगे? कलाओं से परे होंगे कि कलाओं में बंधे हुए होंगे? कलातीत है। जैसे भगवान कल्याणकारी है, भगवान के बच्चे भी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सारे कल्प का अंत करने वाले होंगे या नए कल्प की शुरुआत करने वाले होंगे? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो रौद्र रूप धारण करेंगे तभी तो रुद्र कहे जाएंगे। तो वो रौद्र रूप धारण करने वाले कल्प का अंत करेंगे या नए कल्प की शुरुआत करेंगे? हैं? कल्प का अंत करेंगे। तो जो कल्पांतकारी हैं, कल्प का अंत करने वाले हैं, वो देवताएं कहे जाएंगे? हैं? देवताएं अंत करते हैं कि आरंभ करते हैं? नई दुनिया का आरंभ होता है उनसे। तो देवताएं तो यहां हो भी नहीं सकते। तो इसलिए असुरों की असुरों में लड़ाई, क्या कहा? अगर लड़ाई होती भी है तो किसकी किसके साथ होती है? हैं? सूर्यवंशी सूर्यवंशियों के साथ नहीं लड़ेंगे। किसके साथ लड़ेंगे? असुर असुर आपस में लड़ जाएंगे। लड़ाई के संस्कार होते ही नहीं है सूर्यवंशियों में। होते हैं? होते नहीं। तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान आके लड़ाई करना सिखाता है क्या? नहीं। तो ये असुरों असुरों की लड़ाई है।
इसलिए बाबा कहते हैं जो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं वो मेरे हैं, मेरे बच्चे नहीं, किसके हैं? जब तक आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं तब तक मेरे बच्चे नहीं, किसके बच्चे हैं? रावण के बच्चे, या तो इस्लामियों के बच्चे हैं, जैसे पति पत्नी हैं, ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं, लेकिन पति तो पुरुष है दुर्योधन दुशासन, और पत्नी भी है दुर्योधन दुशासन, तो नहीं कहा, फिर लड़ती है कि नहीं लड़ते हैं? हैं? लड़ते हैं। अगर लड़ते हैं तो दोनों रावण के बच्चे हैं या नहीं है? हैं? तो दोनों रावण के बच्चे, भगवान के बच्चे नहीं है। तो असुरों असुरों की लड़ाई है, यानी असुर ये यवन है। कौन कौन असुर है? ये यवन। यवन किनको कहा जाता है? मुसलमानों को। मुसलमान जो है कौन सा विकार प्रधान होता है उनमें? काम विकार। चलो इस्लामी जो कामी हैं वो बाद में मुसलमान भी बन गए और उनकी लोभ की वृत्ति प्रत्यक्ष हो गई, लोभ के कारण उन्होंने भारत में आके डकैती डाली, डकैत बन गए, हिंसा कही, लोभ के कारण की ना, लेकिन उस हिंसा के पीछे लूटपाट के पीछे भी कोई मकसद रहा होगा कि नहीं? है? क्या मकसद था जो यहाँ आकर के उन्होंने लूटपाट की? राजा मतलब अपना विस्तार करने का, अपना फिर विस्तार करने से फायदा क्या है? इससे और उनकी जिंदगी भोगने वाली। हाँ, ये मुख्य बात है देवताओं की असुरों की। गीता में भी कहा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो। क्या देवताओं के जो कार्य होते हैं, जैसे नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, संगीत विद्या में रत रहते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो उसमें उनका काम विकार काम करता है नहीं? द्वापर युग से क्या होता है, हरेक मनुष्य मात्र का किसी भी कार्य करने का लक्ष्य क्या रहता है? कोई भी धंधा दोरी करेंगे उसका लक्ष्य क्या है? काम विकार का सुख लेना, ये लक्ष्य रहता है। चलो ब्राह्मण भी बन गए, अभी क्या कहेंगे, संपूर्ण ब्राह्मण है अधूरे ब्राह्मण है? अधूरे ब्राह्मण। क्यों है? अगर पेट का धंधा करते हैं तो क्यों करते हैं? बाबा ने तो जिम्मेवारी ली है, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो क्यों धंधे दोरी में लगे हुए हैं? लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है धंधे दोरी करने का? अरे कोई मकसद है या नहीं है? अरे क्या है? एक आदमी सच्चा निकला है बाबा, बाकी सब चुप। हाँ क्या मकसद है? अरे धंधे दोरी क्यों कर रहे हैं? बीबी बाल बच्चों का पोषण करने के लिए। क्यों पोषण कर रहे हैं? हाँ, गोरख धंधा क्यों कर रहे हैं? ये गौओं को पालने का धंधा, जब गौपाल का नैया आया हुआ है, किस लिए कर रहे हैं? अरे मकसद कुछ है कि नहीं है? हाँ, वो गौआ बने तो बैल भी चाहिए, नहीं तो बैल की रखवाली कौन करेगा? तो ये बैलबाजी करने का लक्ष्य बुद्धि में है, इसलिए धंधे धोरे में लगे हुए। किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, क्योंकि ये कैसेट सारी दुनिया में जाएगी। कोई झूठ बात हो तो बताना है। हाँ, इसलिए गीता में जो कहा है वो सच्ची बात कही, कि जिसके जीवन के सारे कार्य
काम विकार के संकल्प से रहित हैं वो ही संपन्न पुरुषार्थी है। तो असुरों की लड़ाई असुरों से दिखाई गई है, जब तक असुर हैं तब तक आपस में लड़ते हैं, यानी असुर ये यवन है। क्या कौन है जो लड़ते हैं वो क्या है, है? असुर, क्योंकि मुरली में बोला है जिनको क्रोध आता है, आता तो है ना सभी को, चलो नींद ही आती है क्रोध करने से थकान होती कि नहीं है, बहुत थकान होती है। तो क्रोध करने वाले में काम विकार का अंश जरूर होगा, काम विकार का अंश होता है तो इससे साबित होता है कि ये काम विकार ही काम हेशु क्रोध हेशु जरूर बनते हैं, क्रोध आ जाता है। तो तुम देखते हो कि मुसलमान का राज्य अभी तुम देखते हो बरोबर, दुनिया में सबसे जास्ती राजाई 2500 वर्ष के वर्ष में टाइम में, जब से विकारी दुनिया शुरू हुई द्वैतवादी दुनिया, तो ये सबसे ज्यादा राज्य किसने किया है इस दुनिया में, है मुसलमानों ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किया। उसके बाद नंबर आया क्रोधियों का अभी 100-200 वर्ष से, क्रिश्चियंस का राज्य दुनिया में अभी 200 वर्ष से चला है, 200 वर्ष के अंदर। तो बरोबर तुम देखते हो मुसलमानों का राज्य, देखो बाम से भी है क्या बॉम्ब, क्या करेंगे बॉम्ब से, किस लिए बनाए हैं? अगर हमारे सामने आंख उठाई तो हम क्या करेंगे, बॉम्ब से भस्म कर देंगे। तो ये कौन है, वो तो यवन है कामी, और ये कौन है, यादव। कहते हैं यादवों के पेट से मूसल निकले, मिसाइल्स। तो ये बुद्ध रूपी पेट वाले हैं जिनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल्स निकलते हैं, कहते हैं हम घर बैठे तुम्हारी राजधानी फूंक देंगे। तो लड़ाई देखो कैसे हो, यवन भी हैं पांडव भी हैं, तो पांडवों का कर्तव्य है नॉन वायलेंस, यवन भी लड़ाई लड़ते हैं और हैं क्रिश्चियंस भी लड़ाई लड़ने, दोनों ही असुर हैं। पांडवों को क्या कर्तव्य है, अहिंसक बनना। कैसे यो अहिंसक बने, जो हिंसा न हो। पांडव प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं थे, थे या नहीं थे, थे तो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति में रहेंगे या निवृत्ति में रहेंगे, है प्रवृत्ति में तो रहेंगे, कर्मेंद्रियों को कर्मों में प्रवृत्त करेंगे या नहीं करेंगे, कर्मेंद्रियों से वो सन्यासी तो काम धंधा ही छोड़ देते हैं, कहते हम रोटी नहीं पकाएंगे। अब रोटी अकेले न पकाने से, अपना खाना नहीं बनाने से क्या निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हैं, कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियां अपना कर्म जरूर करेंगी, कर्म धारा बगैर कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता।
कर्मेंद्रियों का कर्म कोई छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? अच्छा, नाक से सांस लेंगे कि नहीं? नाक भी इंद्रिय है, नहीं लेंगे? सांस लेनी पड़ेगी। पांव है, एक ही जगह खड़े रहेंगे क्या? स्थिर हो जाएंगे? नहीं, पांव है तो चलने फिरेगी, फिर होगी जरूर, चले फिरेंगे जरूर। तो जो पांडव हैं वो कैसे नॉन वायलेंस धारण करें? कर्म इंद्रियों से कर्म तो करेंगे, कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे, चलो पांव से चलेंगे, तो पांव से चलते समय चींटी मरेगी कि नहीं मरेगी? तो अहिंसक कैसे बने? चींटी में आत्मा है या नहीं है? नहीं है, है? तो वो हमारे पांव से मसली जाएगी तो बिलबिलाएगी कि नहीं है? उसको दुख नहीं होगा? तो दुख देने वाले हुए कि नहीं? हिंसक हुए। हिंसा माने क्या? हिंसा माने दुख देना। तो नॉन वायलेंस कैसे बने? अहिंसक कैसे बने पांडव? ऐसा उनका इच्छा नहीं थी ना बाबा? इच्छा नहीं थी ना, उनका देखा नहीं है। जानते हैं, जानते तो हैं कि चलेंगे तो मरेंगे। याद नहीं रहती, याद नहीं रहती। हाँ, याद नहीं रहती। अहिंसक बनेंगे तब कि जब हम काम तो करें, कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना ही है, लेकिन हमारा भाव भावना कहाँ लगी हुई हो? भगवान की याद में लगी हुई हो। तो भगवान किसी को दुख देता है क्या? है, भगवान तो किसी को दुख नहीं देता। तो जब हम उसकी याद में टिके हुए होंगे तो हमारा जो भी पाप कर्म बनेगा उसका कोई हिसाब किताब हमारे साथ नहीं बनेगा। बनेगा? हमारी आत्मा के साथ हिसाब किताब बनेगा? नहीं बनेगा। कितनी बार मिसाल दिया बाबा ने, जैसे कोई महबूब है, अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है, आंखें खोले हैं कि बंद है? खुली हुई आंखों से जा रहा है। कारखाने में पहुंच के किसी ने पूछा, भाई मेरे दोस्त तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? वो तो मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों? आंखें तो खुली हुई थी। अरे आंखें इंद्रियां नहीं है? इंद्रियां अपने कर्म कर रही थी ना, क्यों नहीं देखा? हैं? हाँ, जो भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 200 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। अगर इंद्रियों को मन का आधार न मिले तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकेंगी, करते हुए भी नहीं कर सकेंगी, माने देखते हुए भी नहीं देखेंगी, सुनते हुए भी ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, तो बाजे बज रहे तो सुनाई पड़ेंगे, नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो ऐसे ही यहां बताया कि नॉन वायलेंस अहिंसक कैसे बने पांडव? भगवान की याद में रह करके अहिंसक बने। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। डकैतों को याद करेंगे, डकैतों के साथ मन बुद्धि लगी रहेगी, इस बात में एक्सपर्ट बनेंगे, डकैती डालने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। वो गुण डकैतों के आएंगे जरूर संग करने से। संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो क्या तरीका बताया कि जो पांडव हैं वो नॉन वायलेंस अहिंसक कैसे बने? भगवान की याद से अहिंसक बने। तो बताओ, पांडवों ने भी लड़ाई नहीं लड़ी, मुसलमानों ने भी लड़ाई नहीं लड़ी, असुरों ने भी लड़ाई नहीं लड़ी, तो लड़ाई कैसे हो? संकल्प। संकल्प से लड़ाई है? संकल्प से लड़ाई होगी तो वाचा से भी होगी, वाचा से होगी तो कर्मेंद्रियों से भी होगी। यहाँ सवाल है, लड़ाई कैसे हो?
जो शास्त्रों में लड़ाई दिखाई है? मन नहीं, लड़ाई कैसे हो? अरे जब याद में नहीं रहेंगे तो लड़ाई होगी, याद में रहेंगे तो लड़ाई की बात ही नहीं। कोई बताए कि लड़ाई कैसे हो जो शास्त्रों में लिखी हुई है? रक्त की नदियां यहां कैसे बहें? कैसे का जवाब चाहिए। रक्त की नदियां, जो स्थूल लड़ाई होती है ना, स्थूल हिंसा होती है, मारकाट होती है, तो खून की नदियां बहती है ना, वो खून की नदियां बहती है यहां। यहां जब स्त्री पुरुष हो, मान लो वो ही लड़ाई लड़ते हैं घर में, तो संकल्पों का खून बहता है कि नहीं बहता है? ये आत्मा का खून है, आत्मा के संकल्पों का खून। खून बहेगा तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? जैसे वो स्थूल लड़ाइयां होती हैं, तो उनमें घाव लगते हैं, खून बहुत ढेर सारा बह जाता है, तो जो युद्ध है वो कमजोर हो जाता है या लड़ाई लड़ने योग्य रह जाता है? कमजोर हो जाता है। वो है देह की बात और ये है आत्मा की बात। आत्मा कमजोर बनती है मन के संकल्पों से युद्ध करने से। संकल्पों का खून बह जाता है तो कमजोरी आ जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है। और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो ना आत्म की स्थिति में रह पाती, ना बाबा की याद में टिक पाती। अगर अंग्रेज लोग होते तो ऐसी रक्त की नदी नहीं बह सकती क्या? ये क्या बात कह दी है? क्या अंग्रेज जब भारत में थे, राज्य करते थे, तब खून की नदियां नहीं बही थी? बही थी। फिर ये बात कैसे कह दी? अगर अंग्रेज लोग होते तो ऐसी रक्त की नदियां नहीं बह सकती। कैसी? कैसी रक्त की नदियां? नहीं, जैसी काम विकार के आधार पर रक्त खून की नदी बहती है। काम विकार से आदमी जब परेशान हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो संकल्प चलते हैं कि नहीं? संकल्प चलते हैं, संकल्पों का खून बहता है। इसलिए बोला कि अंग्रेज लोग होते तो ऐसी रक्त की नदी नहीं बह सकती। कैसी? जैसी यवनों ने बहाई। यवन आज भी, मुसलमान आज भी भारत से कनेक्शन रखे हुए हैं। क्या करते हैं वो? यहां से गरीब लड़कियों को खरीद खरीद के ले जाते हैं और ले जाकर के अपने यहां दासियां बनाते हैं, उनके साथ व्यभिचार भी करते हैं। तो ये जो काम विकार की नदी है वो भयंकर है या क्रोध की नदी भयंकर है? काम विकार की नदी बहुत भयंकर है। इसलिए बोला अगर अंग्रेज लोग होते तो ऐसी रक्त की नदी नहीं बह सकती। रक्त की नदी बहती ही तब है जबकि देखो ये ट्रांसफर हो गया है। क्या ट्रांसफर हो गया है? क्या ट्रांसफर हो गया है? नदी बहती ही तब है ऐसी नदी जबकि देखो ये ट्रांसफर हो गया है। कौन ट्रांसफर हो गया? ट्रांसफर है ये माने कौन? ये ट्रांसफर हो गया है ब्रह्मा। हाँ, ये ब्रह्मा जो है वो सूक्ष्म बदन में ट्रांसफर हुआ ना है, तो उसकी जगह कौन आया? प्रजापिता आया। ज्यादा पति तो कौन है?
प्रजापिता ज्यादा पतित है। कौन से विकार से ज्यादा पतित है? अरे जन्म जन्मांतर कौन से विकार से ज्यादा पतित हुआ? काम विकार से ज्यादा पतित हुआ। तो देखो रक्त की नदी बहती ही तब है जबकि देखो ये ट्रांसफर हो गया है, बरोबर समय ही ऐसा बन गया है। कैसा है? बरोबर समय ही ऐसा बन गया है। जिनके साथ दुश्मनी है, किनके साथ दुश्मनी है? बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से बोलो ना। ब्रह्मा ब्रह्मा दुश्मन है, है? अरे रावण को भी 10 मूड है, 10 से रहे। बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? पांडव दुश्मन है। अरे गीता में किसको दुश्मन बताया? गीता में बड़ा दुश्मन किसको बताया है? काम विकार को। जय एनम पाप मानम, ये बहुत बड़ा पापी है, इसको जीत ले। तो जिनके साथ दुश्मनी है, और देखो दुश्मनी तो है, रक्त की नदी बही थी, अच्छी बही थी। कब है? जब मुसलमानों का और हिंदुओं का पार्टीशन हुआ था, खून की नदियां बही थी या नहीं बही थी? तो बहुत ही हुई है। तो वो जो कहते हैं ना भाइयों भाइयों की युद्ध हुई, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, तो ये भाई भाई तो है ना। कौन? भाई भाई तो है ना। कौन? यमन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब आपस में भाई भाई। यज्ञ के आदि में भी ये भाई भाई ही थे, एडवांस के आदि में भी। जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के बच्चे थे वो क्या थे? भाई भाई थे। कौन कौन भाई भाई थे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार मुख्य धर्मों के चार बीज थे। तो उनमें इस्लाम धर्म का बीज कौन था? शत्रुघ्न नहीं, भरत। भरत इस्लाम धर्म का बीज था, बार बार कहता था। क्या उसके मुंह से निकलता था? अरे भाई भाई है तो फिर भाई जैसा हिस्सा ही हमको मिलना चाहिए ना, है? जो देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया कहा जाता है उसको 16,000 और हमारे को एक भी नहीं, ये भाई भाई का कैसा बंटवारा? उल्टी बुद्धि चली या नहीं चली? तो बाबा कहते हैं ये भाई भाई तो है ना। देखो आधा वो है आधा ये है आपस में। कौन है वो? पाकिस्तान वाले भी आधे हिस्से में हैं और आधे में ये भी है आपस में। यूं तो भाई भाई तो सबको कहते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब सब कौन है? आपस में है। आपस में शुरुआत में तो एक ही भगवान के बच्चे थे ना, सृष्टि शुरू कहां से हुई? इस सृष्टि की शुरुआत कहां से हुई? अरे भगवान ने ही सृष्टि की शुरुआत की ना। तो पहले सब आपस में क्या थे? भाई भाई थे। चीनी हिंदू भाई भाई, चीनी माने बौद्ध। अभी चीनी हिंदू भाई भाई कहते तो हैं, लेकिन वो तो दूर देश है,
कौन? चीनी। परंतु नजदीकी नजदीकी भाई भाई तो ये बैठे हैं, कौन कौन है? नहीं, हाँ, मुसलमान हिंदुओं के साथ घुसे पड़े हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर गांव है जहाँ मुसलमान आपस में ना घुसे हुए हो? हैं? तो भाई भाई है ना, भाई भाई तो ये बैठे हैं एक ही गांव में, मस्जिद भी है और मंदिर भी है। मथुरा में क्या है? वही दीवार के उस पार मस्जिद बनी है, मस्जिद के दीवार के इस पार मंदिर बना हुआ है। बनारस में भी क्या है? बनारस में शिव बाबा का मंदिर भी बना हुआ है और वही पास में मस्जिद भी बनी हुई। देखो भाई भाई एक ही गांव में था, जो पार्टीशन हुई है और फिर भी बैठे तो है ना। नहीं बैठे हैं? हिंदुस्तान में ही बैठे हैं कि कहीं दूसरे देश में बैठे हैं? हिंदुस्तान का ही हिस्सा है पाकिस्तान, बरोबर बैठे हैं। बहुत मुसलमान हैं और करोड़ों के अंदाज में यहां मुसलमान हैं। कहां? भले पाकिस्तान बन गया तो भी हिंदुस्तान में कितने अंदाज में? करोड़ों के अंदाज में मुसलमान हैं। वैसे वहां भी तो हिंदू बहुत हैं। कहां हैं? कहां? पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत हैं। तो देखो लड़ाई तो इनकी लगती है ना बरोबर, किन की है? हिंदुओं की और मुसलमानों की लड़ाई तो लगती है ना, वो युद्ध की तो बात नहीं है, वो स्थूल युद्ध उसकी बात नहीं है, फिर क्या आई की बात है? है फिर लड़ाई किस बात की है? वो हिंसक युद्ध की बात नहीं है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो अलग धर्मों के आधार मूर्त और बीज रूप बैठे हुए हैं, वहां किसकी बात है? हैं? क्यों लड़ाई होती है? बाबा ने लड़ाई का मूल कारण क्या बताया? विकार बताया। तो रक्त की नदी कैसे बहे? कैसे बहे? बहने का मूल कारण क्या हुआ? खास काम विकार। वो जो लड़ाई दिखलाई है ना, स्थूल लड़ाई शास्त्रों में, उस लड़ाई में रक्त की नदी नहीं बहती है, है? उस लड़ाई में मनसा से खून की नदी, माने संकल्पों के खून की नदी नहीं बहती है। रक्त की नदी कहते हैं जब एक दो को खून करते हैं। कौन सा खून है? इसे बाबा कहते हैं गौ हत्या। तो गौ का हत्यारे क्या सबसे बड़ा पाप लगता है ना? अब वो तो जानवर गौ में समझ लेते हैं। है कौन सी गऊ की बात? कन्याएं माताएं जो गऊएं हैं उनकी बात है, उनका खून करते हैं, उनको काम कटारी मारते हैं, यहां तो तलवार ही मार देते हैं। कटारी छोटी होती है, माने आंखों से चलाई जाती है काम कटारी, और तलवार तलवार तो बड़ी होती है, एकदम खप कर देते हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये तलवार क्या हुई और छुरी क्या हुई? अरे अभी तो इशारा दिया है, वो छोटी और वो बड़ी। क्या छोटी और क्या बड़ी?
नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे असुर यवन बैठे हुए हैं, जो पहले तो आंखों की कटारी चलाते हैं, हैं? उससे भी नहीं काम चलता है तो कहीं अकेले दुकेले में पकड़ा और बस तलवार ही चला दी। कन्या है और कन्या के ऊपर घात कर दिया, उसे अपवित्र बना दिया, तो वो हो गई तलवार। अगर कन्या किसी के द्वारा घात कर दी गई तो कन्या की जिंदगी में वो कभी भूलेगा? कभी नहीं, नहीं भूलता है वो, कभी नहीं भूलेगा। आंख का भले मारा हुआ भूल जाए, लेकिन ऐसा मारा हुआ तलवार का मारा हुआ भूलता नहीं। तो आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें और छुरियां तो बहुत चलती हैं। एक मुरली में बोला, सवेरे से शाम तक अच्छी तरह से काउंटिंग करो कि आंखों से कितनी बार पाप कर्म किया, कितनी बार काम कटारी चलाई। बाबा जवाब देते हैं, 40-50 बार तो भूले जरूर करते होंगे ये छुरी चलाई। मैंने तलवार नहीं मारते हैं, लेकिन छुरी तो 40-50 बार जरूर मार देते हैं। तो सो आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें और छुरियां तो बहुत रहती हैं, क्या आजकल माने? आजकल माने हैं? कल माने जो बीता हुआ कल, कलयुग। और आज माने संगम युग। संगम युग में भी जो भी ब्राह्मण हैं यवन जाति के, वो क्या करते हैं? मुसलमानों का धर्म क्या है, वो क्या अपना धर्म समझते हैं? किसका गोश्त खा ना, वो गोश्त किसका खाना पसंद करते हैं? गाय का, गाय का, गाय का गोश्त वो अपना धर्म समझते हैं। अगर हमने गौ को मार दिया, गौ पे तलवारबाजी चला दी, तो ये हमने धर्म का काम किया। तो आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें छुरियां तो बहुत रहे। जब पार्टीशन हुआ तो तलवारों और छुरियों ने बहुत काम किया था। कितने माँ बाप की कन्याएं उजड़ गईं, कितने माँ बाप की बहू और बेटियां उजड़ गईं। तो ये छुरियां और तलवारबाजी चली या नहीं चली? चली। तो जरूर ये संगम का समय है। संगम का समय है माने वो तो पार्टीशन युद्ध हुआ, पार्टीशन हुआ स्थूल में, और यहाँ संगम युग में शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। कृष्ण को संगम में तो दिखाएंगे ही नहीं कभी, है? शास्त्र में कहीं संगम में दिखाया है कृष्ण को? नहीं। कहाँ दिखाया? क्यों दिखाया है? द्वापर में। अरे संगम युग श्रेष्ठ युग है या द्वापर युग श्रेष्ठ युग है? संगम युग श्रेष्ठ है, वहां भगवान आते हैं। भगवान तो एवर प्योर है कि काम कटारी चलाने वाला है, एवर प्योर है। तो कृष्ण को कभी संगम में नहीं दिखाएंगे। कहां दिखाते हैं? क्यों? क्यों निकलाते हैं द्वापर में? अरे अरे द्वापर में कौन से धर्म के आए? इस्लाम धर्म के आए। जो इस्लामी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, जो हिंदू, जो देवात्माएं, कच्चे देवताएं, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, वो ढेर के ढेर आए। कहां? कौन सी युग में? द्वापर में आए। तो उन्होंने जैसे हम भी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उनको क्या दिखाई पड़ा? है शास्त्रों की जो व्याख्या की है बाद वाले मनुष्यों ने, तो उन्होंने क्या समझा? गीता का भगवान। हाँ, गीता का भगवान, वो भी कटारी या तलवार चलाने वाला होगा।
उसने ये कटारी ये तलवार चला चला करके 16,000 वो अपना बना लिया। ये बुद्धि रहती है। तो शास्त्र को दिखा दिया भगवान कब आए, कौन से युग में आए, द्वापर में आए। कृष्ण को संगम युग में कभी नहीं दिखाएंगे। कृष्ण को सतयुग में दिखाते हैं है? लेकिन तुम जानते हो कौन से युग में दिखाया है? सतयुग में दिखाया। क्योंकि रक्त की नदी के बाद फिर घी की नदी आती है। रक्त की नदियां कब बहेंगी, संगम में कि सतयुग में? संगम में बहती है। ओम शांति।